नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा इलेक्शन 2024 जो है वो 7 चरणों में पूरा हुआ और 1 जून को जो है 7वें और आखिरी चरण का जो है मतदान पूरा हुआ। उसके बाद से जो है एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए और एक फेज में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो है प्रदेशों में 542 सीटों के लिए जो है लगभग 65.14% जो है वोटिंग हुई। और 19 अप्रैल से 4 जून तक चलने वाले यह चुनाव प्रक्रिया जो है कुल 46 दिनों तक जो है चली। और भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और भारत में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। और यहाँ पर जो भारत की सत्ता है वो बदली जाती है और 5 साल में ये लोकसभा इलेक्शन होता है और 5 साल में जो है सरकार जो है बनती है। अब देखना होगा कि कौन सी सरकार जो है वो आती है, क्या जो सरकार चल रही है वही वापस आती है या इंडियन अलायंस जो है वो पूरी तरह से कह रहा है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ में वापस आ रहा है, तो क्या उनकी सरकार जो है वो बनती है। और इन सारी चीजों के बीच में जो है सिद्धू मूसे वाले का जो सॉन्ग है वो काफी वायरल होने लगा और अचानक से ये जो है सॉन्ग क्यों वायरल होने लगा, लोगों ने गूगल सर्च करना क्यों स्टार्ट कर दिया और लोग आखिर सिद्धू मूसे वाले का जो सॉन्ग है उसको इतना ज्यादा सर्च क्यों कर रहे हैं। इसका कारण है राहुल गांधी। जब उनसे पूछा गया कि आप एग्जिट पोल से क्या सहमत है, तो उन्होंने अपनी असहमति जो है वो जताते हुए कहा कि ये जो एग्जिट पोल है ये मोदी की मीडिया पोल है, मोदी के जो गोदी मीडिया है उसने ये पोल्स जो है मोदी के ऑफिस में बना के तैयार किए हैं और ये सारी चीजें बिल्कुल भ्रम टूट जाएगा जब 4 जून का जो है परिणाम आएगा। और उनकी पार्टी से जब पूछा एक पत्रकार ने कि आपकी कितनी सीटें आ रही है, तो इस पर राहुल गांधी ने पलट के जवाब दिया। सिद्धू मूसे वाले का वो सॉन्ग सुना है 295 और उन्होंने कहा कि हमारी जो है 295 जो है सीटों के साथ में हम बहुमत में आ रहे हैं। और इन सारे चीजों के बाद से जो है वो चर्चा सिद्धू मूसे वाले की बहुत होने लगी और लोग जो है सिद्धू मूसे वाले को जो है वो सर्च करने लगे और रैंडमली इस सारी चीजों को जो है वायरल कर दिया गया। और ये इतनी वायरल हो रही है तो ये लोग इसमें अब पसंद कर रहे हैं कौन सा सॉन्ग है सिद्धू मूसे वाले का जिसको सुना जाए, आखिर उसका जो है राहुल गांधी की जो लोकसभा की सीटें हैं इंडियन अलायंस की उसका और सिद्धू मूसे वाले का जो सॉन्ग है 295 उसका क्या कनेक्शन है। तो इन सारी चीजों के बीच में लोग लग गए और ये हो भी क्यों ना, हर पार्टी का नेता होता है वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो उसके नेता होते हैं उनका मनोबल हमेशा बनाए रखता है। और ये जानते हुए भी जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनता दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में पार्टी का जो लीडर होता है उसका ये काम होता है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल वो टूटने ना दे आखिर क्षण तक। तो इन सारी चीजों के लिए जो है पार्टियां जो है वो लगातार जो है अपने दावे करती है कि नहीं उनकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ में आ रही है। और ये एग्जिट पोल जो है वो तो सिर्फ कुछ अनुमान है चैनल्स के और उनके ऊपर जो है वो असलियत जो है वो नहीं छुपी हुई है। जब असली जो परिणाम आएंगे, जब काउंटिंग स्टार्ट होगी, तब माना जाएगा कौन सी पार्टी जीत रही है कौन सी पार्टी हार रही है। और इन सारी चीजों में जो है पार्टियां अब एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने लगी है और एक दूसरे की जो है चर्चा करने लगी है। अब इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप को बहुमत में आता दिखा रही है। जयराम रमेश का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, सुप्रिया श्रीनेत की आपने सुनी होगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वो जमीन पे जब गई थी, जब उन्होंने ग्राउंड पे जाके सारी चीजों की बात की थी, तो लोगों के अंदर मोदी सरकार को लेके बहुत गुस्सा था, आक्रोश था और जो जनता थी वो मोदी सरकार को जो है उखाड़ फेंकना चाहती थी। ये सारी चीजें उनसे लोगों ने कही। युवा जो था वो बेरोजगारी को लेके जो है वो भड़का हुआ था और लोग महंगाई को लेके जो थे महंगाई से त्रस्त थे कि इतनी महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे में किस तरह से उनका खर्चा चले और किस तरह से वो अपना जीवन का निर्वाह करें। तो ये सारे मुद्दे थे जो इलेक्शन के थे और जिस पर हमने काम किया और जिस पर हमने लोगों के जो है उनकी अपेक्षाएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी हमसे क्या वो है अपेक्षाएं, वो किस तरह की जो वादे हैं, किस तरह के दावे हैं, किस तरह की चीजें हैं जो जनता जो है एक्सपेक्ट करती है कि उसकी जो सरकार बने वो ये सारी चीजें पूरी करें। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो पार्टियों ने अपने अपने जो है वो बात कहनी शुरू कर दी है। आपने नोट किया होगा इंडियन अलायंस ने एकदम से रैंडमली 295 जो है आंकड़ा कहना शुरू कर दिया। आपने अरविंद केजरीवाल का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा जब वो जेल जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने बताया था तो उन्होंने कहा था कि जो इंडियन अलायंस है वो 295 सीट्स आ रही है और हम पूर्ण जो है बहुमत के साथ में सत्ता में आ रहे हैं और इंडियन अलायंस का जो है पीएम फेज का जो है
जो का उम्मीदवार होगा उसको जो है 4 तारीख पे हम डिक्लेयर कर देंगे कौन प्रधानमंत्री पद का जो है दावेदार है हमारी तरफ से। तो ये सारी चीजें जो है एक साइकोलॉजी होती है जो कि तैयार की जाती है, और जो पार्टी होती है वो अंत तक ये मानने को तैयार नहीं होती है कि क्या उनकी जो पार्टी है वो लूज कर रही है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से उनको जो है मतदान कम मिलने वाला है। तो इन सारी चीजों के लिए जो कांग्रेस पार्टी है उसने, आपने देखा होगा, पहले से ही सारी चीजों की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा भी अगर उनको आशंका रही होगी इन सारी चीजों की कि वो शायद सत्ता में नहीं आ रहे, तो उन्होंने पहले से वर्कआउट करना शुरू कर दिया ताकि जब वो जब फाइनल रिजल्ट आए तो उनके पास में जनता को कहने के लिए कुछ चीजें हो, कुछ ग्राउंड हो जिसके आधार पर वो चाहे एलिगेशन लगाए, चाहे वो कुछ अपना जो मनगढ़ंत या जो उनका नैरेटिव जो उन्होंने सेट किया वो कहें। तो ये सारी चीजों जो है इसके ऊपर वर्कआउट शुरू हो गया, और इंडियन अलायंस की जो 1 जून को जो यानी कि 1 जून को जो है वो मीटिंग हुई थी जिसमें सारी चीजें कही गई थी, जिसमें रणनीति बनाई गई थी कि जो एग्जिट पोल आएगा उसमें किस तरह की चीजें आएंगी, तो उसमें किस तरह से हमें फेस करना है, क्या हमें आगे जनता से कहना है, और किस तरह का हमें आगे जो कंक्लूजन देना है जनता को कि अगर हमारी सरकार बन रही है तो हमारा प्रधानमंत्री पद का जो फेस होगा वो कौन होगा, कौन हमारे जो है पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनेगा। और ये सारी चीजों को उन्होंने कहा था कि हमने सारी चीजें तय कर ली हैं और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब हम ये जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि हमारा जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा हमारी पार्टी की तरफ से। तो ये एक तरह की साइकोलॉजी है, और एक तरह से देखा जाए तो जनता के बीच में अपनी भूमिका बनाए रहने का जो है पार्टियां प्रयास करती हैं ताकि जनता के ऊपर जो है किसी भी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उनकी पार्टी को किसी भी तरह की छवि ना खराब हो। तो इन सारी चीजों को लेके वो साइकोलॉजिकली वो इमोशनली जो है जनता के साथ में कनेक्ट बना के इन सारी चीजों को कहने की कोशिश करती है ताकि उनका जो है एक तरह से तो उनको सत्ता नहीं मिल रही है, उनका नुकसान हो रहा है, उनको कम वोट मिला है, परंतु अपनी पार्टी की छवि को बनाए रखना जनता की नजरों में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन एक बार का नहीं है, 2029 में भी लोकसभा इलेक्शन आएगा, उसके बाद में भी आएगा। ऐसी कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि अपनी अपनी पार्टी की छवि बनाए रखना कि जनता ने जो है उन्हें पूरी तरह से नकार दिया, ये सारी चीजें जो है जनता के बीच में एक नेगेटिव मैसेज ना जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां जो बनानी शुरू कर देती है पार्टी, और देखना होगा 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। परंतु पार्टियों की जो रणनीति होती है वो यही होती है कि उनका जो कार्यकर्ता है, उनके जो लीडर्स हैं, किसी भी तरह से उनका जो है मनोबल ना टूटे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, कोई भी पैनिक स्थिति ना हो जिससे कि उनका जो रिएक्शन जनता के सामने जाए तो उसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो एक तरह से देखा जाए जो कार्यकर्ता और लीडर्स हैं उनको कूल रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब आपके मन माना जो है रिजल्ट नहीं आता, जब आपके मन जो मन के मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कोई भी उसमें ब्लास्ट होगा, किसी में भी गुस्सा आएगा, कोई भी पैनिक कंडीशन में आएगा। तो ये सारी चीजें ना हो, इसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह से एक्सेप्ट किया जाए, जो पार्टी जीते उसको सत्ता वो अपनी बनाए और उसको जो है चैलेंज करने के लिए एक मजबूत विपक्ष हो। तो ये सारी चीजों के साथ में जो है जो पार्टीज है वो अपने जो है कैंडिडेट के साथ में, अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ में एक जो है कनेक्ट बनाए रखती है, और इस कनेक्ट को बनाने के लिए उनकी एक प्रॉपर रणनीति होती है जिसके तहत वो काम करती है, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी वो वर्कआउट कर चुकी होती है कि इस तरह की चीजों का किस तरह से हम जनता के सामने जो है अपनी छवि को सुधारें। जैसा कि आपने देखा होगा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है अरविंद केजरीवाल को जो है दिल्ली शराब घोटाले के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च को, और उनको जब अंतरिम जमानत मिली और उनको अपने जो है क्षेत्रों में जाके चुनाव प्रचार करना था, तो उन्होंने जो अपनी रणनीति थी वो प्रॉपर तरीके से तैयार करी, जनता के साथ में अपना इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने जो अपने बूढ़े पेरेंट्स थे उनका उनके बारे में भी बातें कही कि उनको आप दुआओं में याद रखिए, उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मेरी माँ है वो काफी बीमार रहती है, मेरे पिता भी बीमार है, तो मैं जब नहीं रहूंगा तो उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में एक कनेक्ट बनाती है, और जनता को अगर आप इमोशनल करने में कामयाब हो पाते हो तो कहीं ना कहीं जो होता है आपकी जितने भी एलिगेशंस हैं वो एक साइड में हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, आरोप लगे, वो जेल गए, परंतु जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह से जनता के साथ में दोबारा से कनेक्ट किया,
वो वापस आके भी कामयाब रहे और जनता ने उनके जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई थी, जिन आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था या उनको सजा हुई थी, उन सारी चीजों को साइड में रख के उन्होंने उस लीडर के साथ में अपना इमोशनल कनेक्ट जो था वो बनाए रखा और उनके साथ में जो थे फॉलोअर्स वापस कनेक्ट हो गए। और इन सारी चीजों के साथ में पार्टी है वो यही तरह की रणनीति के साथ में खेलती है। अब अरविंद केजरीवाल में कई तरह की चीजें हुई, अब उनके बाहर आने से जैसे स्वाति मालीवाल का जो इंसिडेंट अचानक से हो गया, तो उन सारी चीजों को भी मीडिया के सामने जाके उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से टैक्टफुली डील किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि दो तरह के उनके पास सामने जो है वो घटनाओं के बारे में आ रहा है। विभव कुमार थे, उन्होंने अपना एक अलग स्टेटमेंट सुनाया है, और जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने अपना एक अलग स्टेटमेंट सुनाया है, क्योंकि ये मामला सब ज्यूडिस है, इसकी छानबीन चल रही है और कोर्ट में ये मामला जो है विचाराधीन है। अब जो भी इसमें क्लियर निकलेगा, जिसको भी क्लियर चिट कोर्ट देगा, मैं उसकी बात को सही मानूंगा। और मैं क्योंकि वहां पर मौजूद नहीं था इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कि कौन जो है वो इन सारी चीजों के लिए वो दोषी है। तो क्योंकि दोनों ही उनके अपने लोग थे और किसी एक का वो साइड ले नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह की रणनीति बना के उन सारी चीजों को जो है वो कोशिश की हैंडल करने की। तो यही सारी चीजें होती है पॉलिटिकली, जो पार्टी होती है उनको किसी तरह का लॉस हो रहा तो वो इसी तरह की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जनता के साथ में जो अपना कनेक्ट है वो बनाए रखती हैं, और इन सारी चीजों का जो है वो फायदा भी उन पार्टीज को मिलता है। तो इसी तरह से जो है राहुल गांधी जो है वो काफी बार का जो है इलेक्शन हैंडल ऑलरेडी कर चुके हैं, और अपनी पार्टी में देखा जाए वो सर्वे सर्वा माने जाते हैं और वो काफी तरह से जो चीजें हैं वो करते भी हैं। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो जो यात्रा है वो की थी इतनी लंबी, उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की, और न्याय और जस लोगों को साथ में जिस तरह से वो न्याय की बात करते हैं, जिस तरह से बाकी चीजें करते हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर वो अपनी पार्टी की जो छवि है उसको सुधारने की वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और इसी तरह का आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में पीएम मोदी को कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की, अपने भाषणों में उनकी जो चीजें थी उसको उन्होंने जो है वो डिक्लाइन करने की कोशिश की, उनके जो कही गई बातें थी उनको उन्होंने जो है वो गलत सिद्ध करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं एक पार्टी की इमेज बनाए रखना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो मेन लीडर होते हैं मुखिया होते हैं उनके लिए। तो यही कारण है, हो सकता है कि जो रैंडमली या प्लानिंग के तहत जो है राहुल गांधी ने 295 जो है वो आंकड़ा अपना बताया, कि उनका जो सिद्धू मूसेवाले का आपने सॉन्ग सुना है 295, हमारी जो पार्टी है वो 295 जो है वो सीट लेके आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरह से जो है वो जनता के साथ में नेता होते हैं वो अपनी जो उनकी जो साइकोलॉजी है उससे खेलने का जो है प्रयास करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है उनकी रणनीति का जो है हिस्सा होती है कि वो किस तरह से जनता के सामने अपनी हार को भी इस तरह से एक्सेप्ट करें या इस तरह से चीजें करें या एलिगेशन लगाएं या दोष लगाएं कि आप ईवीएम के बारे में कुछ कहेंगे या वीवीपैट को लेके कुछ कहेंगे या जो पोस्टल बैलेट है उनको लेके कहेंगे या कुछ और चीजें। कुछ मशीनों के भी आपने देखा होगा आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को ग्राउंड लेके कुछ कई जगह कहा जा रहा है कि ईवीएम को हैक कर लिया, या कहीं जगह कहा जा रहा है कि जो ऑफिसर्स थे वो जो ईवीएम को लेके जा रहे हैं उन्होंने ईवीएम का जो सील है वो लॉक कर खोल दिया है, और इस तरह की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें दिखाई जानी शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड बनाई जाती है कि इन सारी चीजों के आधार पर जो है एक कहा जाता है कि जैसे बाइज्जत बरी किया जाता है, वो सारी चीजें होती है। तो इसी तरह से चुनावों के साथ में जो है उनको जो है इज्जत के साथ में जो है वो अपनी हार को एक्सेप्ट करें और जनता के साथ में उनका कनेक्ट बना रहे और जनता के ऊपर उनका इम्प्रेशन वैसे ही कायम रहे जैसा कि है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं कहीं और डाइवर्ट ना हो, वो किसी और पार्टी को जो है वो ना देखे, वो उनके साथ लंबे समय तक बने रहे। तो इन सारी चीजों के साथ में कनेक्ट बनाने की जो कोशिश की जाती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए